हाय गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग नैंड गेट का यूज़ करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे एंड नॉट और ओर को, ठीक है। यानी कि हम लोग नैंड गेट का यूज़ करेंगे और इन तीनों ऑपरेशंस को करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं एंड ऑपरेशन को, तो एंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें क्या करना है, एंड के लिए हमें चाहिए दो इनपुट्स, तो ये हमारे पास ये दो इनपुट्स हैं, ए बी से नाम दे देते हैं, और ये हमारा हो गया एंड गेट, सॉरी नैंड गेट। हमें नैंड गेट बनाना, याद रखिएगा कि नैंड गेट से आपको एंड गेट निकालना है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये नैंड गेट बनाया। नैंड गेट मतलब एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट, तो ये नैंड गेट हमारा सर्किट बन गया। इसमें क्या करना है आपको कि इसके बाद आपको एक और नैंड गेट लगाना है, ठीक है। यहाँ एक और नैंड गेट अगर आप लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा, देखिए अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये कैसे होता है। देखिए जब ये चूंकि एक नैंड गेट है, ठीक है, नैंड गेट में हम लोगों ने सर्किट देखा हुआ कि नैंड गेट का सर्किट कैसा होता है। तो ये नैंड गेट का सर्किट है, यहाँ जब ये ए बी इनपुट जब पास करेगा तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोग जानते हैं। जब इस चीज़ को हम लोग एक और नैंड गेट से पास करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये एक फॉर्मूला है कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर होता है तो वह इक्वल हो जाता है ए डॉट बी के। यानी कि हमने नैंड गेट का यूज़ करके, यहाँ देखिए कि हम लोगों ने सिर्फ नैंड गेट का यूज़ करके ए डॉट बी यानी कि एंड गेट को, एंड ऑपरेशन को पाया है, ठीक है। तो इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि नैंड गेट का यूज़ करके आप एंड ऑपरेशन कर सकते हैं, इसीलिए नैंड गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट है। लेकिन अभी सिर्फ हम लोगों ने एंड गेट को किया है, चलिए अब नॉट गेट को करते हैं, ओके। सो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक, देखिए इसमें हम लोग एक इनपुट देते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, नैंड गेट, यहाँ से ए अगर पास हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो नॉट गेट तो वैसे वैसे इजी ही रहता है, ओके। सो ये नॉट गेट भी आपने इम्प्लीमेंट कर लिया हुआ है, और लास्ट में आता है और गेट। तो और गेट कैसे करते हैं, देखिए और गेट में थोड़ा सबको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से ए पास किया हम लोगों ने, ये आपका यहाँ नैंड गेट बन रहा है एक, यहाँ से हम लोगों ने बी दिया तो ये भी आपका हो गया नैंड गेट, ठीक है। देखिए यहाँ से ये ए है, यहाँ से ये बी है, जब ये यहाँ से यहाँ आता है तो ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट और ये आपका हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद इसको एक और नैंड गेट से हम लोग पास करते हैं इन दोनों को, ठीक है, यहाँ से इसे, ये हम लोगों ने पास कर दिया नैंड गेट से, ठीक है। जब ये नैंड गेट से पास होगा तो ये क्या होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी इसमें एक फॉर्मूला है कि इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है बूलियन अलजेब्रा का, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। सो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप नैंड गेट का, सिर्फ नैंड गेट का इस्तेमाल करके और ऑपरेशन को कर सकते हैं, नैंड गेट का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से एंड ऑपरेशन को कर सकते हैं, और नैंड गेट का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप नॉट ऑपरेशन भी कर सकते हैं, और इन तीनों को आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। नैंड गेट का यूज़ करके आपने एंड, नैंड गेट का यूज़ करके आपने नॉट, और नैंड गेट का यूज़ करके आपने और, तीनों को इम्प्लीमेंट किया, इसलिए इसे हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।